अरे भवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो है भीम का जो ये वाला धार है, इसको कैसे बनाएंगे, वो भी साहुल में, और इसको जो है गुनिया में भी बनाएंगे हम। तो बहुत सारा लोग जो है कमेंट किए थे कि ये भाई भीम का जो है प्लास्टर कैसे होता है वो हमको सिखा दीजिए। तो वही भीम का आज प्लास्टर हम कर रहे हैं, तो सोचे कि आप लोग के भी दिखा दें जिसको प्लास्टर जो है कैसे करेंगे और इसका तरीका भी क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम जो तरीका बताने वाला है, एक बार उसको फॉलो कर लीजिएगा तो ज़रूर सी आप लोग का भी नॉलेज भी मिल जाएगा। आप लोग जो आसान तरीका से, इजीली तरीका से आप लोग इसको सीख लेंगे कि आखिर में कैसे प्लास्टर होता है। बहुत सारा लोग जो है गलती कर देते हैं कि धार जो है उसमें मोटा प्लास्टर कर देते हैं, उस धार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ट्रेन से मार देते हैं। तो दोस्तों, बिना समय को लेते हुए वीडियो का जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक वीडियो के देखेंगे उम्मीद है। सबसे पहले क्या करना है कि घोड़ा ले लेना आप लोगों को। पहले घोड़ा के अच्छा तरफ से मिला दीजिएगा, बिल्कुल जो घोड़ा है सीमेंट वाले गार होना चाहिए। और सबसे पहले जैसे हमारे हाथ के इशारा करना है आप लोगों का, ऊपर से एक बार लगा दीजिएगा। तो उसके बाद में जैसे जैसे हम लगा रहे हैं, हमारे पास अभी 1 इंची का ये भीम वाले धार है, मात्र 1 इंची का। बहुत सारे लोग जो है ना गलती कर देते हैं, उन लोग से ये सब धार नहीं बनता है। आप लोग से मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मैं लटक धार बेसिक फ्रंट का काम करता हूँ यार, क्या करूँ। और आज धूप निकला हुआ है हमारे तरफ, बहुत खुशी की बात है। और तसला में भी लेना है, जैसे छत में आप लोग घोला लगाते हैं वैसा ही आप लोग इसमें भी घोला लगाना है धार पे, बिल्कुल तसला से डिब्बा से नहीं लेना घोला। जैसे हम मार रहे करने का इशारा आप लोग से करना है, प्लीज आप लोग ऐसा ही देखते रहिए। और देखिए बिल्कुल आराम आराम से मारना है, जैसे अभी इसको घोला लगा रहे हैं। देखिए इसमें जो है ना ये सब लाइन को हम बता रहे हैं आप लोगों को टेक्निक, क्योंकि बहुत सारा जो लोग हैं गलती कर देते हैं छपाई में, कहीं जो लोग काम भी नहीं मिल पाता है, ये तो कम है। और बाहर देश में जाएंगे प्रदेश में तो इससे भी हार्ड काम होता है। इसके वजह से आप लोग के मतलब हम आप लोग जहाँ कहेंगे वहाँ पर जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम ऑलराउंडर काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, छपाई करना है इसको। और इसको छपाई जो करिएगा बिल्कुल जो है मसाला ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गीला होगा तो जो धार है वो नीचे को आ जाएगा, मतलब टूट जाएगा, उसमें से टूट टूट जाएगा। देखिए बिल्कुल ज़्यादा सीमेंट भी इसमें नहीं यूज करना है, ऐसे छोटा वाला जो 4 इंच करनी है उससे ले लीजिएगा, या अगर बड़ा धार होगा बीम वाली तो उसके लिए बड़ा। मगर हम लोग का जो है ना छोटा ही करने से काम करते हैं, क्योंकि धार बिजली से। तो ऐसा ही आराम आराम से इसको छाप लीजिएगा। इसमें जो है ना फेस भी बहुत गंदा होता है, ये जो काम कर रहे हैं हम लोग। तो सोचे कि यार देखिए आप लोग का पूरा वीडियो मैं दिखाएं, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो सकता है, उसके लिए अगर आप लोग वीडियो के स्किप करके देखेंगे या छोड़ के चल जाएंगे तो यार बिल्कुल भी आप लोग समझ नहीं पाएंगे जो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या ऐसा ट्रिक है। ये सब बहुत सारे लोग जो है नहीं वीडियो को समझते हैं, मगर आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर ज़रूर एक बार वॉच कर दीजिए यार। 10 मिनट के वीडियो में अगर आप लोग को कुछ नॉलेज मिलता है तो यार सीख लेना चाहिए, कम से कम आप लोग को सीख लेना चाहिए ज़रूर। और देखिए अभी तो छपाई भी हमारा शुरू करवा दिए हैं, और जो है देखिए फाइनली हमारा इसी जगह छपाई कर दी है बिल्कुल बराबर। और एक बार ऐसे इसको बराबर कर दीजिएगा थोड़ा थोड़ा,
ये तो ऐसे छत का है, ये तो बराबर हो भी नहीं करेगा, क्योंकि बिना चपटी का ही बराबर नहीं हो पाएगा। बराबर इसको करेंगे ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए आप लोग का शॉर्टकट आसान से ट्रिक बता रहा हूँ कि ये जो है बिल्कुल चपटी जो है साफ कर दीजिएगा, और चपटी जो है जैसे छत में लगाते हैं वैसे लगाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं है, नहीं तो अंदर से मसाला भी पड़ जाएगा। देखिए ऐसा ही बिल्कुल मार देना है एक बार, और इसमें चपटी लगेगा क्योंकि थोड़ा नीचे ऊपर है सफाई जो किए हैं हम, बिल्कुल आप लोग का तो बराबर करना है। और तरीका इसमें ये है कि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ना गलती ये करते हैं कि उसका तो धार जो है चपटी में नहीं रहता है, और चपटी में रहता है तो रूसा, उनको जो रूसा आप लोग मारते हैं ये फ्रेश नहीं मारते हैं, बिल्कुल चपटी के बराबर रूसा अगर चलेगा तो थोड़ा भी फॉल्ट नहीं होगा, दो सूत 2 mm के भी फॉल्ट नहीं होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि ताकि जो है आप लोग चपटी में इसको प्लास्टर करें, क्योंकि अगर बाहर से भी देखेंगे तो देखने में यार बहुत झकास लगेगा, और झकास ऐसे करना है आप लोग का कि आप लोग के भी कुछ नाम हो सके। जैसे हमारा जो अभी बहुत सारे लोग जो है हमको काम पर बुला के ले जाते हैं, काम करवाते हैं, अभी देखिए हमारे पास ऑलरेडी अभी काम होंगे, हम दूसरे का ठेकेदारी से काम कर रहे हैं। ऐसे एक बार चपटी लगा दीजिएगा, और इसमें जो है पहले ऊपर वाला धार बनाना है चपटी में, ताकि देखिए ऐसा ही बनाना है, और आराम आराम से, अगर आपसे अगर ये फंटी नहीं संभाल रहा है तो जो लेबर वाले के साथ में काम करते हैं उनको भी बोला सकते हैं आप लोग, मगर हमारा जो लेबर वाले हैं वो अभी मेरा कैमरा कर रहे हैं, अकेले से तो मेरे से नहीं होता है, क्योंकि कैमरा कह के हम लोग जो है सोचते हैं कि आप लोग का पहले नॉलेज दो, पहले सिखाऊँ आप लोग का काम, ये काम आखिर में कैसे सीखते हैं, बहुत सारे लोग जो है काम को नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल ऐसे फंटी के बराबर इसमें कुछ नहीं बोलो, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं, अब मैं ऊपर से भी चपटी लगा देता हूँ, इस पर जगह नहीं है, 1 inch की चपटी होता है हमारे पास भी नहीं है, होने का तो 1/2 inch में भी चपटी हो जाएगा, थोड़ा रूसा के लिए भी आम रूसा। दोस्तों देखिए अभी जो रूसा आने वाला था हमारा वो अभी आ गया है, इसमें जो 4 inch लंबा और 2 inch चौड़ाई इसका रूसा का वो नापी है, इतना ही आपको जो खरीद लीजिएगा, चाहे बनवा सकते हैं आप लोग, और बिल्कुल ऐसे जैसे हम चपटी से चलाते हैं वैसे ही चलाइए, ताकि जो ऊपर वाला भी चपटी है ना यार क्या करो, हमारा जो है ना काम बहुत सारा चोरी छुपी हम लोग बनाते हैं, नहीं तो अगर फास्ट रहते ना तो समय लेते बहुत कुछ यार बताते हम आप लोग, क्या बताएं आप लोग, कमेंट करके बताइए, अगर कहीं पे भी काम मिलेगा तो एक बार जरूर भाई को याद कीजिए वहाँ दिल से। बिल्कुल चीटी नहीं छोड़ना है, खुल गया हमारा धार, अभी इसको खड़ा किया है, ऊपर से चपटी भी लगाएंगे इसके में, और ये चपटी जो है ऐसे आप लोग को लगाना पड़ेगा। मसाला
हमारा जो है थोड़ा सा अंडे में फाल्ड है, बिल्कुल ऐसे लगा देना है और ऐसे सफाई करना है। कुछ भी नहीं है नीचे का जो है, आप लोग तो अभी मैं चौकी मार के दिखाया आप लोग को, और जैसे इधर से चल रहा है, इधर से होता हो। देखिए दोस्तों, भीम जो है ज़्यादातर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें मसाला भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि भीम ज़्यादा आरसीसी जो है ज़्यादा पानी भी नहीं लेता है, और अगर कुछ फर्क ही नहीं आएगा तो आप लोग जैसे हम चला रहे हैं बिल्कुल हमारे हाथ के तरफ देख लीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आप लोग बहुत जल्द मतलब काम हमारा जो है सीख लेंगे, ऐसे काम में कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए ऐसे लामा फंथन के बराबर ऐसा जो है ऐसे चला दीजिएगा, ताकि ये जो मसाला है साइडों में चौकाट में लगता है वो बिल्कुल कट जाएगा, मिक्सर के बराबर ये जो कंट्री के बराबर है ना ये कट जाएगा। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा और आ गया है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आप लोग दोस्तों के पास में अपने भी शेयर कीजिए, ताकि कहीं से भी जाए तो उन लोग जो है ऐसे काम करें, कम से कम तो उन लोग भी पता होना चाहिए पंजाब में या विदेश में कैसे काम होता है, कैसे वहाँ पे क्या करते हैं, कितना एक के मसाला लगाते हैं, सब उनको भी पता होना चाहिए। तैयार हाथ भी दुखाया जाता है उसमें, जो हम हाथ से पंखे कर रहे हैं बिल्कुल हमारा हाथ जो है थोड़ा थोड़ा और रह गया दोस्त। बिल्कुल देखिए इस जगह तो नीचे का अभी चपटी लग गया है, इसको क्या करेंगे हम लोग ये जो है और ऊपर उठा देंगे, ये जो है ऐसे एक बार ऊँचा मार देंगे ऐसे। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल भी ऊपर वाला अभी धार हम बना रहे हैं यार, बहुत टाइम लग गया है क्योंकि इसका जो है चारों साइड से जो है धारे धार, क्या करें। देखिए आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो है एक इंची का इसमें जगह है, अब एक इंची में कैसे रूसा मारे कैसे करने चलाएं, बहुत सारा यार दिक्कत होता है क्या करें। अब ये सब दिक्कत सौ के हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देखिए पूरा वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं तो बहुत मतलब यार दुख होता है, क्योंकि इतना बहुत सारा मेहनत करते हैं। बिल्कुल कंठे के बराबर आप लोग का ऐसा ही रूसा चलाइएगा कि ताकि जो है बराबर चल जाए। और दोस्तों क्या बताएं, आजकल जो है बहुत सारा यार दिक्कत होता है, क्योंकि यार मेरे पास माइक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ और थोड़ा बहुत वीडियो में जो है कमी हो रहा है, तो यार दिल से हम सॉरी चाहेंगे। थोड़ा सा फंटे में सब गया है,
छोटा ही वाला उसे चलाने के लिए बड़े वाला बड़ा वाला जो है अभी देखिए यार अब ऊपर से चप्पी लगाना पड़ेगा भाई, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अभी बताइए इंची का घर है, इसमें कैसे हम चप्पी लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक बार ऊपर से भी चप्पी लगाना पड़ेगा। और आप लोग जो है नीचे बैठिए, आप लोग जो है एक बार जो है मेरा काम का कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसा काम किया हूँ। और ऐसी चप्पी यार इसमें लगे हुए नहीं करेगा, तो ये जेनी चाहिए चप्पी मैं कहाँ से लाऊँ, ये देखिए देखिए इतना पे। तो यार मेरा कैमरा मैन के भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे चप्पी पकड़वाएंगे और मैं एक नीचे जो है मैं चप्पी लगाऊंगा तभी जो धार है ये बनेगा, क्योंकि चार साइड से धार है नीचे का। तो देखिए बीम वाले हम धार बना दिए हैं, अब इसको आप लोग ट्रिक भी पता हो गया, ये नीचे वाला धार भी हम खड़ा कर दिए और ये ऊपर वाला जो धार है चार साइड के धार है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो यार अगर मेरा चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आई होप कि मेरा वीडियो जो है आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और लास्ट में ये बोलिएगा मेरा काम जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा, मेरा काम जो है कैसा लगा, कैसा मैं काम किया हूँ, कैसा ट्रिक लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों।